नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे ईगल नासिक टाइटंस वर्सेस सोलापुर रॉयल्स के बीच जो होगा महाराष्ट्र प्रीमियर लीग T20 का आज का दिन का पहला मैच। दोस्तों, 2 बजे ये मैच स्टार्ट होगा, दिन का अगला मैच होगा 8 बजे। दोनों मैच के एक्सक्लूसिव कवरेज हम लोग लाएंगे आपके लिए। जरूर से गाइस, आप वीडियो अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना। चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो चैनल में, फटाफट से चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों रोमानिया T10 के कवरेजेस। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना तो बनता है। फाइनल अपडेट के लिए जुड़ सकते हो टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में एडेड है। लिंक में गाइस आपको प्रेस करना है और फटाफट से ज्वाइन होना है टेलीग्राम चैनल भी। आते हैं इस मैच के एनालिसिस पॉइंट में। दोस्तों, ईगल नासिक टाइटंस सोलापुर रॉयल्स के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में होगा। पहले तो मुझे लगा था कि डोमेस्टिक प्लेयर्स रन शायद कम बनाएंगे, अभी तो मुझे देख के लग रहा है कि सभी स्टेट के प्लेयर्स ही चांस ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। ग्राउंड साइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। स्टेट लेवल प्लेयर्स के लिए ये ग्राउंड बहुत अच्छा है बैटिंग के लिए, और अब तक बहुत ही ज़्यादा बैटिंग के लिए अच्छा है। ऑन दी अप जो शॉट्स लग रहे हैं ना, लाइक जो पुल शॉट होते हैं, इवन वो भी दोस्तों सीधा मार पा रहा है बैट्समैन। तो सोचो बाउंस कितना ज़्यादा ट्रू है, पिच कितना ज़्यादा सॉलिड है बैटर्स के लिए, एंड आई होप ऐसे ही रन बनते जाए। अंकित बाउ ने लास्ट मैच में रन अच्छा बनाया था, जो हमारे 122 में बाई पिक्स थे, कुछ सेल पिक्स भी था, कुछ बाई पिक्स था। मैच एवरेज गया था हमारे लिए, केदार जाधव अगर थोड़े बेटर परफॉर्म करते या फिर हमारे जो प्लेयर्स के कैचेस लिए गए दोस्तों, एंड तुसामन जो मैंने बाई पिक था वो दोस्तों उसका 2 कैच छूटा, बहुत सिंपल कैच छूटा। कुछ नहीं कर सकते, क्रिकेट है ऐसा होगा, एक्सेप्ट करना है हमें, आगे बढ़ना है। कहाँ पे मिस्टेक हुआ मुझे लगा कल हम लोग एक्शन 22 में और भी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते थे, बट प्रॉफिट नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, सीखेंगे और फ्यूचर में और बेटर करेंगे। ठीक है, अभी आते हैं। और हाँ, इस मैचेस का भी आपको एक्शन 22 एंड कुबेरा के पिक्स मिलेंगे। एक चीज़ मैं आपको शुरू में बताना चाहूँगा, एनालिसिस में आऊँगा उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको जितने भी मैचेस का मैं आपको डेमो टीम खुद शेयर करता हूँ ना, वो मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। चलो कल मैंने महाराष्ट्र T20 में विनिंग किया था, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो है, जो मेरा विनिंग था वो शेयर कर दूंगा, क्योंकि आपके साथ जो भी मैं टीम्स दे प्रोवाइड करता हूँ आपको एक्सचेंज 22 पे पिक्स शेयर करता हूँ, सब मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ और उसके साथ आपको दिया करता हूँ। कभी भी कोई फेक विनिंग्स आपको इस चैनल में नहीं मिलेंगे। कोई दोस्तों ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं आपको प्रोवोक कर रहा हूँ, लाइक आपको मैंने एक्सचेंज का पीक दिया एक एक प्लेयर को बाई सेल करके, या फिर दोस्तों मैंने आपको ड्रीम इलेवन या फिर जो भी ऐप्स मैं प्रमोट कर रहा हूँ, कुबेरा मैं प्रमोट कर रहा हूँ, कुबेरा का मैंने आपको टीम प्रोवाइड किया और मैं खुद नहीं खेल रहा हूँ ताकि दोस्तों आपसे हमें एफिलिएशन मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। जितना आपके साथ शेयर होता है सब खुद इन्वेस्ट करता हूँ, जितना मेरे पास पॉसिबल है। किसी के लिए मैं बड़े इन्वेस्टर हूँ, किसी के लिए मैं छोटे इन्वेस्टर हूँ, किसी के लिए मीडियम हूँ, वो बात अलग है, बट जितना मुझे लगता है सही गलत उतना मैं करता हूँ। ये दोस्तों आपको हमेशा फैंटेसी दुनिया फैमिली पे मिलेंगे, ट्रस्ट है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना। और सिंपल सा है, मैं बहुत बंदे बोलते हैं कि भाई आपको मैं इतना मतलब कुछ डोनेशन दूंगा, ये दूंगा, मुझे वो सब नहीं चाहिए। जो ऐप्स मैं प्रोमोट करता हूँ अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करके प्ले करोगे, उससे हम लोग को जो बेनिफिट मिलेगा वो इनफ है। बाकी दोस्तों आप लोग दुआ करना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। टूर्नामेंट प्रीव्यू में 3 मैचेस हो चुके हैं, एक बार बैट फर्स्ट ने विन किया, 2 मैच चेजिंग ने विन किया, 0 मैचेस टायर्ड एबंडेड रहा है अब तक। ईगल नासिक में अगर आप देखोगे तो खदी वाले ओपन करेंगे अर्शन कुलकर्णी। दोस्तों ये जो खदी वाले हैं ना, ये स्टेट के प्लेयर है। यहाँ पे मैं नीचे रिकॉर्ड बता दिखा देता हूँ आपको, स्टेट लेवल में इन्होंने 26 में 630 बनाया 24 का एवरेज में, और फर्स्ट मैच में 43 रन भी ठोका है। चलो इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा जो आया अर्शिन कुलकर्णी, इस मैच में मेरा मिस हुआ था, अर्शिन कुलकर्णी मैंने नहीं लिया था, माफ़ी चाहता हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इस मैच में, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ। फर्स्ट मैच में इतना अच्छा प्रॉफिट के बाद मुझे लगा मैचेस अच्छे जाएंगे, ये मैच में भयंकर लॉस हुआ। मैंने अर्शिन को नहीं लिया था, मुझे नहीं लगा था ओपन करेंगे, सच बता रहा हूँ, क्योंकि सिद्धेश वीर भी ओपन आ सकते थे, बट सिद्धेश स्टेट में 2 डाउन खेलता है, मैंने मिस किया, सिद्धेश 2 डाउन नहीं खेला। और अर्शिन जो महाराष्ट्र अंडर 19 के लिए दोस्तों डोमेस्टिक महाराष्ट्र अंडर 19 में शायद ओपन करते हैं, वो ओपन कर गए, तो दोस्तों ये मिस्टेक हुआ। बट इसने बॉलिंग से विकेट लेस थे, यहाँ पे ड्रीम इलेवन में मेंशन था ये एज लेग ब्रेक बॉलर, ये राइट आर्म मीडियम निकले, ठीक है। इनको मैंने फर्स्ट टाइम खेलते हुए दिखा था, तो मुझे नहीं पता था ये लेग ब्रेक नहीं करते, राइट आर्म मीडियम करते। इसने 3 ओवर भी डाला, 60 रन भी बनाया, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बैट बहुत ज़्यादा ये चला के खेल रहा था, तो ये किसी भी दिन आउट हो सकता है अगर बॉल थोड़ा भी स्विंग मिला। इस दिन जब ये खेल रहा था उस दिन थोड़ा भी स्विंग नहीं था, अगर स्विंग मिला तो आउट हो सकता है, बट ये दिन का मैच है, दिन का मैच है, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में तो स्विंग का कोई नामो निशान नहीं है, बिकॉज ये 2 बजे मैच स्टार्ट होगा, सेकेंड इनिंग्स शायद 4 बजे के आसपास स्टार्ट होंगे, तो मुझे नहीं लगता सेकेंड इनिंग्स में भी स्विंग मिलेगा। तो एक और बार ये अच्छा पिक हो जाता है। 2 प्लेयर आ चुके हैं, तीसरा राहुल त्रिपाठी, अलग से मैं मेंशन नहीं करूँगा क्या कर सकते हैं, आप मत बनाना इसको, टीम में भी मत लेना, मत करो यार, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, टीम में भी रख सकते हो,
बट मैं मानता हूँ अगर बैटिंग फर्स्ट हो तो एस वी सी ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बोथ कंडीशन बेटर है, बैट फर्स्ट थोड़े से बेटर। सिद्धेश वीर अभी अगर पूछोगे मुझे टू डाउन बैटर है, थोड़ा इसके ऊपर प्रेशर रहेगा ठीक है, क्योंकि हाई स्कोर से इनको रन बनाना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बैटिंग के लिए बहुत इजी ग्राउंड है, निखिल नायक 8 बॉल में 20 रन बना के जाता है, अपना अजीम काजी 20 बॉल में 16-17 रन बनाता है, तो क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, बट सिद्धेश वीर अभी के लिए मैं नहीं लेने वाला। मनो मंदर भंडारी फिलहाल पॉज करके रखो, कौशल दाम्बे फिलहाल पॉज करके रखो। इनमें से दोस्तों अगर बैटिंग फर्स्ट होता है तो तीनों डिफेंशियल प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से तीनों ही स्टेट के प्लेयर है, सुन रहे हो ना, तीनों स्टेट के प्लेयर है। अब देखो इनका निकल के क्या है, इनका बैटिंग स्ट्रांग है, यस 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 इनका बैटिंग स्ट्रांग है, नॉट अ बैड चॉइस ठीक है, इनका बैटिंग स्ट्रांग है। बॉलिंग थोड़ा मुझे वीक लग रहा है, बट स्टिल मुझे दो प्लेयर लेके चलना है, वाइकर और सोलंकी, मुझे दोनों इंप्रेसिव लगे। सोलंकी का रिकॉर्ड और स्टेट का प्लेयर, वाइकर का रिकॉर्ड कमाल का है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे एक और चीज़ प्ले में आएगा, अगर ये टीम बॉलिंग फर्स्ट करेंगे एक और बंदा प्ले में आ सकता है, वह अखारे, और इनका जो डेथ बॉलर होगा अखारे के साथ, मुझे लगता है फिलहाल अखारे डेथ कराएगा, तो मैं अखारे के साथ जाऊंगा। इनको 2 में 28 पिटाई हुआ, 1 में 19 पिटाई हुआ, तो चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। ओपनिंग बॉलिंग में आता हूँ दोस्तों, इस टीम से अगर देखोगे क्या ही हो रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओपनिंग बॉलिंग कराएगा इस टीम से दोस्तों ओमकार, ईजान, कुलकर्णी। डेथ में मुझे लगता है कि कुलकर्णी कराने से करा सकता है, ईजान भी करा सकता है, ओमकार भी करा सकता है ठीक है। इस सीरीज से पहले के रिकॉर्ड है यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, इनके रिकॉर्ड राहुल त्रिपाठी सबको पता है क्या कर सकते हैं, अलग से मैंशन नहीं होगा। हर्षद खट्टीवाड़ा स्टेट का प्लेयर है, कौशल दम्बे एक और स्टेट के प्लेयर है जो फर्स्ट क्लास खेलते हैं, लिस्टे खेलते हैं स्टेट के लिए। सिद्धेश वीर एक और स्टेट के प्लेयर है, बहुत सारे स्टेट के प्लेयर है। अश्विन देखो मैं यहाँ पे लिख के रखा अंडर 19 ठीक है, स्टेट के लिए अंडर 19 खेलता है, ओडीआई में 6 119 117 26 51 71 का एवरेज था, सब कुछ मैंने खुद मेंशन भी किया था, बोला भी था, बट स्टिल क्या पता कैसे मुझे मिस हो गया और इसके चलते मेरा बहुत नुकसान भी हुआ था। चलो होगा क्रिकेट में, अक्षय पालकर अगर खेलता है तो दोस्तों बॉलिंग से राइट टू राइट चॉइस होगा, जो आपको डेथ में करते हुए दिखेंगे, स्टेट के प्लेयर रहेंगे, स्टेट के प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा मैं मौका दूंगा। ओमकार 187 मैच में 290 विकेट, 27 का एवरेज, 2100+ रन है, नॉट अ बैड चॉइस, बट ये लेफ्ट आर्म मीडियम है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स नहीं है याद रखना। प्रशांत सोलंकी स्टेट के प्लेयर है, और वेकर कहाँ गया यार, वेकर देखो 73 मैच में 228 विकेट, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है डोमेस्टिक में। सोलापुर रॉयल से अगर आप देखोगे तो यश नाहर ओपन कराएगा प्रवीण देशिट्टी के साथ दोस्तों, और वन डाउन आएगा यासीर शेख। देखो यश नाहर प्रवीण देशिट्टी दोनों स्टेट के प्लेयर हैं, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, प्रवीण देशिट्टी स्टेट लेवल में 6 मैच में 81 बनाया था, और यश नाहर 17 में 259। यश नाहर और प्रवीण देशिट्टी दोनों, यश नाहर एक ऑन दोस्तों वो स्ट्रेट पुल किया था, जो होता है ना बैक हैंड, क्या बोलता है उसको अभी याद ही नहीं आ रहा है दोस्तों, वो टेनिस में यूज़ होता है, लॉन टेनिस में बैक हैंड स्मैश, और वो किया था दोस्तों ठीक है, फोर हैंड स्मैश सॉरी ठीक है, यश नाहर ने 14 रन बनाया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, थोड़ा निकल के दोस्तों बॉल शॉर्ट हुआ था, तो इसने फोर हैंड स्मैश जैसा कुछ मारा था अंपायर का सर का ऊपर से शॉर्ट पिच बॉल को ठीक है, जो चेस्ट हाइट बॉल को। प्रवीण देशिट्टी दोस्तों आपके लिए बहुत ही डिसेंट ऑप्शन लगे मुझे, एक और स्टेट के प्लेयर है प्रवीण देशिट्टी, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होंगे ही, और 44 का नॉक खेला, हाईली सिलेक्टेड, रोटेट करने का मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ इस मैच में। गाइस यासर शेख ने दोस्तों ये खेला तो कुछ खास नहीं, बट ये एक शॉट मारते हुए आउट हुआ था, वो लेग साइड में ये शॉट फ्लिक जैसा कुछ मारा था, वो नटराज शॉट जैसा ही थोड़ा सा फ्लिक था, उसमें दोस्तों ये आउट हुए थे दोस्तों फाइन लेग में ठीक है, शॉर्ट फाइन लेग में। विशांत मोरे ने 14 किया था, ऋषभ राठौर 44, ऋषभ राठौर दोस्तों ऑलरेडी विदर्भ के लिए खेलता है स्टेट लेवल में, तो नॉट अ बैड चॉइस, विकी सेक्शन में मिलेंगे। देशिट्टी मस्ट पिक है, यशर नाहर को मैं लेके चलूंगा, ऐसे भी इनके जो ओपोनेंट है ना उनका जो राइट है मीडियम बॉलर है, जो मीडियम पेसर्स है वो उतना स्ट्रांग मुझे दिखे नहीं है, उनका मिडल ओवर में जो स्पिनर्स आएंगे वो प्ले में आएगा, वॉकर और सोलंकी ठीक है, तो ऐसे भी इनका मिडल ऑर्डर मुझे विकी दिख रहा है, वशर वॉकर सोलंकी है, यहाँ पे अगर कोई टिक भी जाता है एक विकेट मिडल ओवर में गिरेगा तो यहाँ पे कोलैप्स होगा। ऋषभ राठौर फिनिश फिर से एक बार अच्छा कर सकता है, क्योंकि ओपोनेंट का बस राइट है मीडियम, लेफ्ट है मीडियम, डेथ बॉलर कंपेयर टू इनके स्पिनर थोड़े से वीक है, बहुत कुछ सजेस्ट कर रहा है दोस्तों ऋषभ राठौर के साथ स्टिक रहना, और यहाँ पे दो बैट्समैन बच्चा देव को सब रखेंगे, बच्चा देव नहीं सत्यजीत बचाव को सब रखेंगे, और यहाँ पे मैं भी रखूंगा विकी ओसवाल को लेके चलना इंपॉर्टेंट है, लिप्टा ऑर्थोडॉक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अब बॉलिंग अगर फर्स्ट होता है तो ओमकार राजपूत एंड प्रणय सिंह के साथ आप ट्राई कर सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस ठीक है। ओपनिंग बॉलिंग कौन कराएगा, यहाँ पे कहाँ से आ गया यार, ये ओमकार राजपूत यहाँ पे भी है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और हाँ यहाँ पे भी आपको मिलेंगे ओमकार अखारे ठीक है, लेफ्ट आर्म मीडियम है ये छोड़ दो जो भी है। सोलापुर रॉयल से अगर आप देखोगे तो यश नाहर हो गया, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस, थोड़े से पास रिकॉर्ड में आता हूँ, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज हो गया मैं फिर से, माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे इसका। अब देखो यहाँ पे विकी प्रणय और यश
पावर प्ले में डेथ में संकेत प्रणय और ओमकार राजपूत प्लेयर स्टेट, संकेत और प्रणय ज़्यादा चांसेस है डेथ में कराने का, राइट डोमिनियंस प्लेयर स्टेट्स इस सीरीज से पहले का आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो। अथर्व काले स्टेट के प्लेयर है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस, बट बैटिंग जो ऑर्डर है अथर्व काले का वो थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे है, तो इसके लिए हम लोग इग्नोर करेंगे, बट विकी सेक्शन से नॉट अ बैड चॉइस, अगर इनको ऊपर आया तो बेटर कर लिया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे और भी प्लेयर्स दिखेंगे, जैसे कि हुआ कौन, यहाँ पे मिलेगा ऋषभ राठौर, देखो यहाँ पे स्टेट लेवल में 14 मैच में 213 रन बनाया, एक ओवर में विकेट लेस, ये खेलते हैं विदर्भों के लिए। फिर यहाँ पे स्वप्निल फुलपागर अगर खेलता है तो टॉप में खेल सकता है। विशांत मोरे 10 में 109 रन, लिस्टेक का एक्सपीरियंस है इनके पास। अब सत्यजीत बचाओ ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, स्टेट लेवल में 46 मैच में 62 विकेट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 80 रन है, 923 ओवर है इनका। सुनील यादव अगर खेलता है तो मे भी बॉलिंग करते हुए दिखेगा। विकी उत्सवल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्टेट के बॉलर। चलते हैं दोस्तों सीधा हमारे ड्रीम इलेवन टीम में। गाइस फिलहाल ये रहेगा मेरा ड्रीम इलेवन टीम, कैप्टन बनेंगे मेरा ए कुलकर्णी, हमारे पास वाइस कैप्टन है दोस्तों राहुल त्रिपाठी, हमारे पास एच कदीवाले, वाई नाहर, पी देशेट्टी है, ओमकर राजपूत, एस बच्चा, विकी ओसवाल, पी सोलंकी, ए वैकर और दोस्तों ऋषभ राठौर। फिलहाल के लिए गाइस ये रहेगा मेरा कवरेज इस मैच का, बट डेफिनेटली ये मेरा फाइनल अपडेट नहीं है दोस्तों, जो मेरा फाइनल अपडेट होगा या फिर जो मेरा डेमो टीम्स होंगे वो शेयर करूंगा मैं गाइस आपके साथ टेलीग्राम चैनल, आपको जुड़ना है टेलीग्राम जिसका लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पर।